अब आप बोल रहे हैं दोस्त, राइट सर, ये अच्छे दोस्त नहीं थे, आप अच्छे दोस्त थे बोले। मैं एक मिसाल देता हूं मेरे दोस्त की दोस्ती का। सर अमित शाह साहब आए थे इलेक्शन कैंपेनिंग, छोटे बच्चों को उठाए थे, केस बुक हुआ था, आई थिंक ऑल यू माइट हैव आल्सो रेड इन द न्यूज़पेपर्स। सर उस वक्त एक केस मेरे पे भी हुआ, मुझ पर। सर 10 o'clock इज द डेडलाइन, 9:50 अ पुलिस ऑफिसर ही जस्ट पुशेस द क्राउड, 9:50 सर ही वॉक्स ऑन द स्टेज, ही कम्स एंड ही ट्राइज टू स्टॉप मी। आई टोल्ड अभी वक्त है, घड़ी है मेरे हाथ में, 10 बजे तक टाइम है, उससे पहले खत्म करूंगा। इतना ही हुआ सर, इतना ही हुआ, चलिए आप जाइए। आई सेड दैट पुलिस ऑफिसर वेंट अवे, बट द देन कमिश्नर ही बुक्ड अ केस अगेंस्ट मी, ही बुक्ड अ केस। माई मीटिंग इज गोइंग ऑन, इट इज 9:50, ही कम्स एंड ही इज ऑब्स्ट्रक्टिंग, ही इज डिस्टर्बिंग एंड ही बुक्स अ केस अगेंस्ट मी। And then an inquiry was conducted. The then commissioner of police, Chandelia, he called me and he said, Akbar Owaisi sahab, I know you are right. Our officers were wrong. I am sorry for it. And I am going to make sure the case is withdrawn. Sir, he moves out. He calls the commissioner of police who is there today. And the commissioner of police says, no, I am not going to withdraw that case. The case will go. I am filing the charge sheet. मैं मुसलमान हूं बोल के मेरे ऊपर केस, और वो अमित शाह है आपके दोस्त या बड़े भाई है बोल के उसलिए उनका केस वापस ले लिए। वाह क्या है साहब, क्या है। अरे हमारी किस्मत तो ऐसी है, ना इस दोस्त ने हमारी दोस्ती के साथ वफा की, ना इस दोस्त ने वफा की है। हम तो नहीं, नहीं सर, तो वो कैसा निकाले सर पुलिस गे, नो सर, नो सर, यू आर रॉन्ग सर, माई लर्नड फ्रेंड, यू आर रॉन्ग सर, you are wrong sir. Police conducted an inquiry and gave a report stating that ke we can withdraw the case, and they submitted the court, and after the inquiry of the police, the case has been withdrawn from Amit Shah, because he is Amit Shah, bade bhai ke bhai, bade bhai ke bhai. Ab gareeb dost hai aapka ye, isliye case chal raha hai. Khair sir, I am not worried sir. अकबर ओवैसी डरने वालों में से नहीं है। पुलिस चाहे कितना भी जुल्म कर ले, ज्यादती कर ले, केस बुक कर ले, अकबर ओवैसी सीना पेश करेगा, पीठ नहीं बताएगा। अकबर भाई आपको मैं ये गुजारिश कहना चाहता हूं, जो असद जो अमित शाह के खिलाफ, किशन रेड्डी के खिलाफ दरखास्त किया कांग्रेस पार्टी ने, हमारे उपाध्यक्ष जी निरंजन ने पुलिस स्टेशन में दरखास्त की है कि छोटे बच्चों को चुनाव में इस्तेमाल किए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करो बोल के हम लोग ने दरखास्त किए, वही दरखास्त के ऊपर एफआईआर हुआ, अमित शाह और किशन रेड्डी जी को अक्यूज्ड बनाए। बाद में पुलिस इंक्वायरी में जो वहां पर कार्यक्रम लिए उन लोगों को अक्यूज्ड बनाए, इन लोगों को उसमें से निकाले, तो हमारा पार्टी अमित शाह के खिलाफ, किशन रेड्डी के खिलाफ अब कोर्ट में हम कार्रवाई शुरू किए, तो इसीलिए हम लोग नहीं निकाले। जो पुलिस ऑफिसर जो चार्जशीट में निकाले, हम वो चार्जशीट के खिलाफ हम भी दरवाजा खटखटा रहे। तो इसीलिए ये जो आपको जो गलत फहमी हुआ, वो गलत फहमी दूर कर दो। हम बड़े भाई कहा बोले तो राज को कुछ पैसे लाने के लिए कुछ परमिशन मूसी जो आपके अपना जो ओरिजिनल सिटी है उसको अच्छा तरक्की में ले जाने के लिए हम लोग को पूछे थे, मगर उससे बगल और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग नीति से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और आगे तेलंगाना को तरक्की करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे।